हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं करोल बाग और हमारे साथ में है अनीस भाई, जो कि हमें झंडे वाला साइकिल मार्केट के पास जाना है। तो वहाँ से मुझे एक टॉय कार लेनी है जो कि रिमोट कंट्रोल होगी। और अभी हम नीचे उतर रहे हैं, मेट्रो यहाँ से पकड़ेंगे और झंडे वाला उतरेंगे, वहाँ से सीधा आगे मिलते हैं। और आप हमारी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी हमारे सानू भाई मिलने वाले हैं जो कि छतरपुर से आ रहे थे। और अभी हम राजीव चौक पहुंच चुके हैं। सो गाइस, मेरा नाम है शानू, ये मेरे धर्मेंद्र भाई। आज हम जा रहे हैं टॉय कार लेने करोल बाग। सो अभी हम पहुंचे हैं राजीव चौक मेट्रो। अभी हम मेट्रो लेंगे और कहां उतरेंगे, झंडे वाला। हां जी, झंडे वाला। और हां, ये करोल बाग साइकिल मार्केट, करोल बाग साइकिल मार्केट उतरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कार है। टॉय कार है सारी, बच्चों के हिसाब से। वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कार है। तो फाइनली हम उतर गए मेट्रो पे। झंडे वाला नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है साइकिल मार्केट का। आप जब भी आए मेट्रो तो झंडे वाला उतरे, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है साइकिल मार्केट। फोटो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये सारा मार्केट ही मार्केट है। नीचे आप देख सकते हो, अभी आपको नीचे जाके एक्सप्लोर कराते हैं पूरी मार्केट करोल बाग की, कैसी है क्या है, नीचे जाके मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नीचे और ये आप देख सकते हैं पूरी हेलमेट की मार्केट है जो कि काफ़ी दूर तक है। और हमने एक यहाँ से वेगा का हेलमेट लिया था जो कि बहुत ही अच्छा वेगा का हेलमेट था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेट्रो से उतरते ही नीचे हैं, तो आप यहाँ से परचेज जरूर करिएगा। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम साइकिल मार्केट। देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी मार्केट स्टार्ट हो गई है। अभी हम जाते हैं शॉप पे, नाउ आपको दिखाते हैं क्या सीन है। अभी डिस्कशन चल रहा है कौन सी शॉप में जाया जाए। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं साइकिल मार्केट। तो अभी देखते हैं, हमने वैसे एक खुशी टॉय है वहाँ उस शॉप पे, उसी शॉप को देख रहे हैं कि कहाँ पर है। टॉय शॉप पे जाते हैं, बाकी थोड़ा और भी देखते हैं, रेट वेट लेते हैं मार्केट में कैसा है क्या है, फिर आपको भी एक बताते हैं, जरा मिलते हैं आपसे। तो गाइस, फाइनली हमारी ब्लू कलर की कार रेडी हो रही है, और जो कि कुछ ही टाइम लगेगा इसे रेडी होने में। तो आप देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो आपको पूरी जानकारी देगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मुझे जो प्राइस मिला है वो ऑनलाइन इसका था 16,990, और ये मुझे जो शॉप पे मिली है ये मुझे मिली है 11,500। तो आप देख सकते होंगे कितना फ़र्क है। और यहाँ पर शॉप पे आने का मतलब ये होता है कि चीज़ और क्वालिटी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कैसी चीज़ है। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ लेनी है आप डायरेक्ट शॉप पे जाइए
और वहाँ से परचेस कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर कोई चीज़ अगर दिक्कत होती है तो ऐसा हो जाता है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं होती है, या फिर वो पहले से बोल देते हैं आपने डैमेज कर दिया होगा, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो चुका है फ्लिपकार्ट से, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबर था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग भी बहुत फ्रॉड करते हैं, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो इसीलिए मैं एक ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, एक ही चीज़ कि आप लोग शॉप पे जाओ और वहाँ से परचेस करो। Yeah.